दीपक जी नमस्ते, क्या हाल चाल नमस्कार जी? कहाँ रहते हैं आप? सर, हम वेस्ट बंगाल आसनसोल में। सर, हाँ पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरे को फर्स्ट डायग्नोसिस हुआ था 2006 में डायबिटीज बोलकर, ठीक है, और 2006 अभी तक मैं वही ट्रीटमेंट। हमारा फास्टिंग हमेशा कम आता है लेकिन पीपी ठीक है हमेशा बड़ा आता है। अभी ठीक मैं है। ट्राइबेट वन ले रहा हूँ सुबह शाम। एच बी वन सी कितना है अभी सिक्सटी आपका? सिक्सटी ईयर सर, नहीं, एच एचबी बी वन वन सी सी है 6.2। दवाई ले रहे हैं सिक्स आप? पॉइंट दवाई टू के साथ? हाँ ठीक है, दवाई के साथ है या ना? ठीक है। फास्टिंग इंसुलिन सर जांच कराया कभी? फास्टिंग इंसुलिन सी पेप्टाइड ये जांच कराया कभी? फास्टिंग इंसुलिन मैं कभी जांच नहीं कराया। इंसुलिन और सी पेप्टाइड ये दोनों जांच कराइए एक बार। ठीक है, अभी पूछिए क्या सवाल है आपका। सर, हमारे को जॉइंट पेन भी है तो एक्सरसाइज में करता था, अभी मैं छोड़ दिया। जॉइंट पेन है और बैक पेन, टेल बोन में भी पेन है। अब इसके कारण जो है हम साज भी लेता हूँ साथ में। सवाल क्या है? मैं सवाल डिसीजन, सवाल है कि सर हमारा जो फास्टिंग शुगर कम है तो मैं अभी कुछ दिन से मैं आपका डाइफिट यूज कर रहा हूँ। डाइट खीरा खाता हूँ भात के संग, चावल तो जरूर खाता हूँ, थोड़ा चावल खाता हूँ लेकिन खीरा वगैरह खाता हूँ सुबह। आपका बादाम काजू ठीक है वीकनेस बड़ी लगती है सर। ठीक है। वीकनेस लगती है तो आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। ठीक है, 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट रखिए अपना। प्रोटीन वजन कितना है अभी आपका? हमारा वेट 56 तो आप और एज है 62। कम से कम 110 ग्राम के आसपास प्रोटीन खाइए। मच्छी खाते हैं कि नहीं रोज? नहीं, रोज नहीं खाता हूं मछली। आज से रोज खाना शुरू कर दीजिए। कम से कम 200-300 ग्राम मच्छी रोज खाना पड़ेगा। अच्छा, आप बंगाल में रहते हैं और मच्छी नहीं खाते रोज, ये कैसे मैं संभव है? रोज नहीं खाता हूं सर, रोज नहीं रोज खाता हूं। खाइए। अच्छा बंगाली है आप? नहीं है? नहीं, एक्चुअली हम लोग तो नॉन बंगाली हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? उसे हम लोग आसनसोल में हमारे चार पुश्त चली गई, उसे हम लोग यूपी के हैं। यूपी के रह रहे, 4 पोस्टों से आप बंगाल में रह रहे और मच्छी रोज नहीं खा रहे, कैसे पॉसिबल है? मैं 7 साल बिहार में रहा, रोज सत्तू खाता था, लिट्टी चोखा रोज खाता था। मच्छी खाइए, प्रोटीन है उसमें, तभी आपको जो कमजोरी हो रहा है ना। खाते हैं कि नहीं नॉन वेज, या नहीं खाते? हाँ हाँ, नॉनवेज खाते हैं। तो फिश खाइए, चिकन खाइए, एग्स खाइए। प्रोटीन इंटेक 110 ग्राम रखिए आप। मच्छी खाना जरूरी नहीं है, नहीं, मतलब जैसे कि हमारे को प्रोटीन डॉक्टर बोला कि आप प्रोटीन खाइएगा आपका जॉइंट पेन बढ़ जाएगा, तो यही आप लेकर मैं प्रोटीन डर के खाइए, बैठा। आपकी ज्वाइंट पेन कम हो जाएगा। अच्छा, यूरिक एसिड ज्यादा है क्या आपका? यूरिक एसिड नहीं है, नॉर्मल। तो ज्वाइंट पेन क्यों होगा आपको प्रोटीन खाने से? अब जॉइंट पेन और ऑर्थराइटिस बोल रहे हैं। अपोलो चेन्नई में आप मैंने डायग्नोसिस करवाया था तो आर एफ तो फैक्टर अभी तक नेगेटिव आई थी। तो आप आपको आर्थराइटिस है अभी? हाँ, पेन तो होती है। तो अभी आपको पेन होती है, आप रोज प्रोटीन तो नहीं खा रहे हैं, रोज फिश तो नहीं खा रहे हैं, इतनी ज्यादा प्रोटीन तो नहीं नहीं खा रहे हैं, फिर भी आपको नहीं पेन है। आप प्रोटीन खाना शुरू कर दीजिए और देखिए पेन कैसे खत्म होता है 6 महीने में। डायरेक्टली प्रोटीन का मतलब है मैं रात को डेली दूध में हल्दी डाल के पीता हूँ एवरी डे, और सुबह कभी कभी पनीर जरूर खाता हूं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। थोड़ा और प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऑप्टिमम अच्छा, प्रोटीन लेना पड़ेगा, तभी लेकिन आपकी रोटी जो दो ही खाता हूँ कमजोरी सर। है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्रोटीन बढ़ाइए, तभी आपकी जो कमजोरी है वो खत्म होगा, जो घुटनों वगैरह में दर्द है वो भी खत्म होगा। ठीक है, सर, फास्टिंग शुगर इतना क्यों कम आता है? 66, 68। दवाई लेते हैं ना आप? अच्छा हाँ, दवाई बंद कर दीजिए, ये 66 नहीं आएगा आपका। अच्छा दवाई की वजह से फास्टिंग शुगर कम आता है। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। प्रोटीन बढ़ाइए, और मच्छी कोई खाइए। आपका कोई सजेशन सर, जिससे मैं फिट रह सकूं?
बता दिया, प्रोटीन इनटेक बढ़ाइए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, उससे आप फिट रहेंगे, डायफिट डाइट को फॉलो करिए। ठीक है सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।